बाबा केदारनाथ की जय। सो हे गाइस, व्हाट इज अप, इट्स योर बॉय एयर व्लॉग्स। और एक और नया अनप्लान ट्रिप शुरू हो गया अपना, एंड इट्स 11:19 राइट नाउ और मैं निकल रहा हूँ केदारनाथ के लिए। सामान सारा पैक कर लिया, नाउ आई एम लीविंग। लेट्स सी, अब सुबह उठ के अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ। Hey guys, what's up? हम लोग अभी सोनपराग पहुंच चुके हैं एंड वी टुक अ जीप। जिप्सी वगैरह जाती है यहाँ से ऊपर थोड़ा आगे तक, एंड अभी यहाँ पे आपको सबसे पहले आके रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन के बाद ई पास बनाना पड़ेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। वो पर्टिकुलर ई पास नंबर होगा आपको, जो वेबसाइट से होगा, जो भी निकलेगा वो रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। घोड़ों पर चढ़ के जाना है आगे। It's going to be really tough। घोड़े पर चल के जाने का मन नहीं है, पैदल चल के जाने का मन था बट कोई साथ है नहीं है चलने के लिए। What can I do? व्हाट्सअप, इट्स बॉय एयर व्लॉग्स। एंड रात के बाद अब जाके थोड़ी आंखें खुली हैं एंड आई एम वॉकिंग ऑन जो पाथ है, जो मतलब वॉकिंग पाथ ऑफ केदारनाथ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और ट्रैफिक, टू मच ट्रैफिक, वन मोर वाटर एंड मौसम बहुत 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 ही ज़्यादा प्लेजेंट है। मेरे घर वाले मेरे से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। अनप्लान ट्रिप पे ऐसे होता है ना, सारा सामान लाइक आई एम कैरिंग टू बैग राइट नाउ, बट या इट्स फाइन। अच्छी बॉय ए आर व्लॉग्स। और सुबह के बज रहे हैं 8 और हम यहाँ से निकलने लगे हैं यात्रा के लिए। कल हम नहीं जा पाए थे सब के सब, क्योंकि 4 बजे के बाद घोड़े ऊपर जाना अलाउड बंद हो जाते हैं एंड 6 बजे के बाद वो पैदल भी नहीं जाने देते। सो रात को बहुत मुश्किल से होटल ढूंढा था, बहुत मुश्किल से, एंड इट्स अ डिसेंट रूम, नॉट दैट मच गुड, बट या रात की नींद तो अच्छी आ गई है। बाकी इफ़ यू कैन See the view behind me, and yes, so now we are leaving. Hey guys, so what's up? It's your boy Vlogs, I'm back, and हम लोग अभी कहाँ पहुँचे हैं? भीमबली पहुँचे हैं, एंड
इट वॉज क्वाइट टायरिंग बिकॉज घोड़े पे बैठना आसान नहीं है. घर वालों को बोलता है पैदल चल लो बट वो चले नहीं. एंड फ्यू थिंग्स आर पेनिंग राइट नाउ एंड इट्स पेनिंग रियली बैडली. एंड आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं. वो सामने अगर आपको दिख रहा हो वो जो जगह है वो एग्जैक्टली वहाँ पे रामबाड़ा शहर हुआ करता था जो जब 2013 के टाइम फ्लड्स आए थे तो एवरीथिंग स्वेप्ट अवे विद इट. और ऑलमोस्ट अभी जिससे भी बात अभी एक पुलिस वाले से बात की थी तो वहाँ तक पानी आ चुका था यहाँ तक. मतलब इट वाज ऑल वाटर ओवर हेयर एंड वाज क्वाइट डेविस्टेटिंग. सो फिलहाल तो अभी जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही है. बाकी देखते हैं क्या बनता है आगे जाके. आई विल शूट मोर. सो गाइज वी हैव रीच केदारनाथ एट लास्ट. एंड घोड़े पे ज़्यादा बैठने से अच्छा है कि बिना पैदल ही आए कि उस घोड़े पे इट्स लाइक रियली डिफिकल्ट. बहुत डिफिकल्ट है भाई. एक तो कोने कोने पे चलते हैं घोड़े को हिसाब नहीं पता यार इसलिए डिफिकल्ट. आई शो यू व्यू एग्जैक्टली मेरे बैक साइड पे अगर आप लोगों को दिखे तो. बहुत प्यारी सी चीज़. लुक एट दैट. जस्ट लुक एट दैट. Isn't it incredible, man? Chala, let's aage badhte hain. अच्छा रात के आई थिंक सो 8 बज रहे हैं और हम लोग मंदिर की सीढ़ियों में बैठे हैं इस टाइम पे. मेरा भाई डाकू बना हुआ बैठा है इतनी की ठंड है कि बोला भी नहीं जा रहा ढंग से. और हाँ फिलहाल मेरे को इसने नई इन्फॉर्मेशन दी है कि यहाँ पे एक ये ढाबा है और एक यहाँ कहीं ढाबा है. ये तो ढाबे हैं इनका राशन खत्म तो सब खत्म है ना भाई. खाना खाते हैं उसके बाद देखते हैं कुछ और शूट कर सका तो नहीं तो मैं सो जाऊंगा भाई. बहुत ठंड है. सो गाइज अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. अभी प्यारा सा टाइम लैप्स लिया है यहाँ से. एंड सुबह सुबह दर्शन हो गए थे. सुबह
5 बजे से लाइन में लगने के बाद, मतलब लाइक मंदिर एटलीस्ट आई थिंक सो 6:30 या 7 बजे के अराउंड खुलता है, एंड टेम्परेचर वॉज अराउंड -3 रात को, इट वॉज -8 एंड आज दिन में अभी थोड़ा नॉर्मल हुआ जब से धूप आई है, एंड अभी तो दिन में टेम्परेचर नॉर्मल है, 1-2 के करीब होगा, एंड फिलहाल जगहें ढूंढ रहा हूँ टाइम लैप्स या शॉट्स लेने की, अच्छे अच्छे दर्शन तो काफ़ी अच्छे से हुए हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, कम से कम 10,000 बंदा आया होगा, एंड इट्स टू डैम क्राउडेड, सो यू गाइज एंजॉय द व्यू, आई विल गो फाइंड अनदर लोकेशन टू मेक अ न्यू टाइम लैप्स. सो हे गाइस, व्हाट्सअप, मैं 2 दिन के बाद लॉग इन कर रहा हूँ. रीज़न बिहाइंड इट इज़ बहुत ज़्यादा थक गया था एंड टाइम ही नहीं था कुछ और करने का, सिर्फ सो गया आके, एक दिन पूरा दबा के सोया हूँ, एंड अभी 1-2 दिन और काम है बीच में, तो एडिट भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो व्लॉग थोड़ा सा लेट आएगा. एंड मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को पसंद है जिस हिसाब से मैं शूट करता हूँ और वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, अब धीरे धीरे मैं थोड़ा अपनी जो रिदम है व्लॉग्स अपलोड करने की थोड़ी ज़्यादा करूँगा, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू मेक प्लान्स, 1 महीने में कम से कम 2 या 3 ऐसे प्लान्स तो हों जहाँ पे मैं कभी नहीं गया उसको शूट करके आ सकूँ. एंड इफ़ यू गाइज लाइक द वे आई शूट, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बिकॉज बिना आपके सपोर्ट के मतलब इट्स लाइक नथिंग, यूट्यूब कर क्यों रहा हूँ मैं बिना किसी मतलब के. So please like, subscribe and share. Show as much as love you want to. See you next time.